जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन और ट्रैक बॉल, ये चार चीजें हैं, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्कैनर के बारे में समझते हैं। स्कैनर क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है या कोई से पेपर होता है या कोई लेटर होता है, इन सब चीजों को हम डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। कैसे स्कैन करेंगे? एक डिवाइस होता है, उसमें हम उस चीज को, कोई सा पेन, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हुआ, उस डॉक्यूमेंट को हम उसमें रखते हैं और उसको स्कैन करते हैं। वो सारा जो डॉक्यूमेंट रहता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट, वो सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है। वहां से हम उसे कहीं पर भी भेज सकते हैं या कहीं पर भी हम उसके काम कर सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ऐसे डिवाइस को हम स्कैनर कहते हैं। दूसरा होता है बारकोड रीडर। क्या होता है बारकोड रीडर? एक ऐसा डिवाइस जो किसी स्पेशल कोड को रीड करता हो, उसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। क्या होता है? किसी स्पेशल कोड, यानी कि जैसे आप बारकोड, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते होंगे, वहां पे भी एक बारकोड रीडर लगा ही रहता है, एक मशीन लगी रहती है ऐसी, इसमें आप ऐसे करके लाइट चालू हो जाती और कैसे वो रीड करके आपका बिल बना देता है। तो उसी को ही बारकोड, वो मशीन जो रहती है वो बारकोड रीडर मशीन रहती है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें किसी स्पेशल कोड को रीड करके इनपुट लिया जाता है, उसे बारकोड रीडर कहते हैं। दूसरा होता है ट्रैकर बॉल। अब ट्रैकर बॉल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइसेस जो माउस के जैसा ही होता है, यानी कि जो माउस रहता है, हम माउस चलाते हैं ना कंप्यूटर में, माउस के जैसा होता है। माउस में नीचे का पॉइंट जो है वो सेंसर होता है, बस उसके ये विपरीत होता है, यानी कि उसका जो, उसका ट्रैकर बॉल का जो पॉइंट रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है। ऐसा पॉइंट जो इनपुट डिवाइसेस में आता है, लेकिन उसका विपरीत परिस्थिति में, जैसे माउस के विपरीत परिस्थिति में काम करने वाले डिवाइस को ट्रैकर बॉल कहते हैं। ठीक है, चौथा है लाइट पेन। एक ऐसा डिवाइसेस जिसको, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर पर किसी इमेज को बनाने के लिए किया जाता है। इमेज में यह एक लाइट पेन एक पॉइंटर डिवाइस होता है। जब हम कंप्यूटर पर कोई इमेज बनाते हैं या डेवलप करते हैं, तो उसकी पल्स ट्रांसमिट होकर सीपीयू तक फॉरवर्ड होती है और वहां से सारी प्रोसेसिंग होती है। इस प्रोसेसिंग को हम लाइट पेन प्रोसेसिंग कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि हमें आउटपुट देने वाला एक ऐसा डिवाइस जो हमें आउटपुट देता है। अब ये क्या काम करता है? प्लॉटर चित्र, ड्राइंग और चार्ट या डिजाइनिंग, इन सब चीजों को हमें प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे आप कोई सा बड़ा सा फ्लेक्स है या फिर कोई रेडियम की दुकान पर अगर जाते हैं, तो जो मशीनें लगी रहती बड़ी मात्रा में जो रहती है, उन मशीनों को हम प्लॉटर ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो बड़े मात्रा में हमें कोई डिजाइन को आउटपुट करके दे रहा हो, ऐसे डिवाइसेस को हम प्लॉटर कहते हैं। स्पीकर क्या होता है? यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम कोई सा गाना या फिर कोई सा सॉन्ग वगैरह को हम सुन सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम स्पीकर कहते हैं। साउंड कार्ड क्या होता है? यह एक एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है, जैसे मदरबोर्ड के ऊपर जो डिवाइस अलग से लगाया जाता है, उसे हम साउंड कार्ड कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर का जो इनबिल्ड वाला साउंड कार्ड रहता है, अगर वो किसी कारण से खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उस पर अलग से PCI स्लॉट के ऊपर एक डिवाइस लगता है, उसे हम बोलते हैं साउंड कार्ड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे हम? साउंड कार्ड कहते हैं।